लिखा है व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। तो हम एपिडर्मिस के बारे में आज पढ़ेंगे, जो आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट की। रूट के ऊपर मिलती है, स्टेम के ऊपर भी मिलती है, लीव्स के ऊपर भी मिलती है, और ये ज्यादातर आपकी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी हुई होती है। लाइक अगर आप देखोगे इसको तो ये आपकी कुछ सेल्स की लेयर होती है, इस तरह से आपकी कुछ सेलुलर लेयर्स होती है जो कि पाई जाती हैं एपिडर्मिस में। इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं। एंड द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट। जो आपके ड्राई हैबिटेट में रहने वाले प्लांट होते हैं उनमें कैसी होती है, उनमें ये थिकर होती है, क्योंकि भाई आपके जो ड्राई हैबिटेट में रहने वाले प्लांट होते हैं ना, उनको क्या करना होता है, उनका उनमें पानी पहले ही कम होता है, और वो क्या चाहते हैं कि उनका पानी जो है ना, कम पानी जो है वो ज्यादा ना चला जाए, खत्म ना जाए, उड़ ना जाए, ट्रांसपायर ना हो जाए। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करते होते हैं, उसको थिक कर लेते हैं, ठीक है, वाटर को बचाने के लिए। इन द एंटायर सर्फेस ऑफ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। मतलब प्लांट की जो पूरा सर्फेस होती है उसको, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगी, एपिडर्मिस मिलेगी। एंटायर सर्फेस के ऊपर आपको एपिडर्मिस मिलने वाली है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। सारे इसका फंक्शन अगर आपसे पूछेगी एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है, तो आप कहोगे भाई ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। एपिडर्मल सेल ऑन द एरियल साइड पार्ट। एरियल पार्ट का मतलब होता है जो पार्ट आपके एयर में मिलते हैं वह आपके एपिडर्मल एरियल पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी रूट जो होती है, रूट आपकी कहाँ रहती है, जमीन के अंदर रहती है, जबकि अगर आप बात करोगे लीव्स की, स्टेम की, वो सारा का सारा जो पार्ट होता है वो आपका कहाँ रहता है, वो आपका रहता है रूट के, सॉरी एयर पे, जमीन के बाहर। तो ये कह रहे हैं कि जो जमीन के बाहर वाला इनका प्लांट पार्ट होता है ना, उसको, उसके ऊपर उसकी जो एपिडर्मिस होती है ना, उसके ऊपर क्या चढ़ा रहता है, एक वैक्सी लेयर चढ़ी रहती है, वैक्सी लेयर चढ़ी रहती है। उसका नाम इन्होंने उसका यहां नहीं बताया है, ठीक है ना। वो भी क्या करती है, एक रेजिस्टेंट लेयर होती है, प्रोटेक्शन देती है, ठीक है ना, लॉस ऑफ वाटर के अगेंस्ट, मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट, कोई पैरासिटिक फंजाई ना घुस जाए उसके अगेंस्ट। तो आपसे ये पूछा जा सकता है यहां से कि भाई जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं उनमें जो एपिडर्मिस होती है उसके बाहर, एपिडर्मिस के बाहर आपका जो एक वैक्सी लेयर मिलती है उसका क्या काम होता है। तो उसका काम आप बता सकते हो कि भाई उसका काम जो है ये होता है कि वाटर के अगेंस्ट वो करता, वाटर को रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराती है कि पानी ज़्यादा ना जाए उसकी सरफेस से बाहर, ठीक है ना, उसमें उसमें जो है मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए कोई, और कोई पैरासिटिक फंजाई, जो फंजाई उसमें डिजीज कोज करता है, वो डिजीज कोज ना करे। अब ये ध्यान से सुनो कि वो वैक्सी लेयर, जो वैक्सी लेयर मिलती है वो वैक्सी लेयर आपकी क्या होती है, क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल, एंड इट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन। ये आपकी किसकी बनी होती है, क्यूटिन नाम के वैक्सी मटेरियल की बनी हुई होती है। नेक्स्ट लिखा है कि दिस सिंस इट हैज ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले सेल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म ए कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो आपकी जो एपिडर्मिस की सेल्स होती है उनमें आपको कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता, दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज। मोस्ट एपिडर्मल सेल इज रिलेटिवली फ्लैट। ज्यादातर कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं, और उनकी जो आउटर और साइड वॉल्स होती है वो इनर वॉल से थिक होती है। प्रोटेक्शन का काम है तो उनकी जो बाहर वाली लेयर्स होंगी वो थिक तो होंगी, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस के बारे में आपसे यहाँ से सवाल बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन बनेंगे आप इससे क्रिएट कर देंगे आंसर। नेक्स्ट, इन्होंने यहाँ एपिडर्मिस में एक खास बात बताई है, इन्होंने कहा कि भाई जो आपकी लीव्स होती हैं, जो आपकी लीव्स होती है उनमें आपको क्या मिलता है, उनमें आपको स्पेशल पोर्स मिलते हैं जो कि आपकी गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं, जो आपकी गैसेस को एक्सचेंज करने में काम आते हैं वो वाले पोर मिलते हैं। क्योंकि आपको पता है आपकी लीफ को क्या करना होता है, फूड बनाती है, फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और उसके बाद वो लीफ क्या करती है आपकी, O2 का फॉर्मेशन करती है, O2 वहाँ से बाहर भी निकलती होगी लीफ से, ठीक है ना। और प्लांट के जो लीफ है उसको खुद को भी, रात को भी मान लो उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वो कहाँ से लेगी। तो लीफ में आपकी क्या मिलते हैं, कुछ पोर्स मिलते हैं, उन पोर्स को आप क्या कहते हो, स्टोमेटा कहते हो। स्टोमेटा अगर आप ग्रासेस की बात करोगे
तो ग्रासेस की लीफ जो होती है उसमें आपको दोनों साइड पे स्टोमेटा मिलेंगे, अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड में मिलेंगे। लेकिन अगर आप बात करोगे जो ट्री डाइकोट जो होते हैं, जो आपके ट्री लाइक प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी जो लीव होती है उसके केवल नीचे वाले साइड पर आपको वो मिलेंगे स्टोमेटा। एक स्टोमेटा आपका कैसा होता है, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि दो गार्ड जैसे बीन शेप सेल्स, जो राजमा के जैसी कुछ सेल्स होती है, किडनी जैसी जो सेल्स होती हैं, वो उसको क्या करती होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। मान लो ये बीच में सेंटर में पोर है, इसके दोनों तरफ ये गार्ड सेल्स मिलती हैं, इन गार्ड सेल्स के बाहर कुछ और हेल्पिंग सेल्स मिलती हैं इस तरह से, और ये एक स्टोमेटा जो कि लीफ में मिलते हैं, उनकी ऐसी स्ट्रक्चर हो जाती है। ठीक है, गार्ड सेल का काम क्या होता है कि गार्ड सेल इसकी जो पोर है इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते होते हैं। ये आपका क्या है, स्टोमेटल पोर है, दिस वन सेंट्रल वन, ये क्या है आपका पोर, सेंटर पे जो है ये पोर है, और इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको कंट्रोल करती है ये गार्ड सेल्स, दीज आर द गार्ड सेल्स। ठीक है, ये क्या आपकी गार्ड सेल्स है। ठीक है, और साथ में जो बाहर जो सेल है दीज आर सब्सिडियरी सेल्स, तो आपको इनको जानना नहीं है, सब्सिडियरी सेल्स यहाँ बताए नहीं है, यहाँ तो जरा सा बताया इन्होंने, इन्होंने कहा कि भाई वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, लीफ में आपको ऐसे पोर्स देखने को मिलते हैं, दीज पोर आर कोल्ड स्टोमेटा, इन पोर्स को आप क्या कहते हो, स्टोमेटा कहते हो। स्टोमेटा आर एनक्लोज बाई टू किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल, तो भाई स्टोमेटा जो होंगे वो आपके दो किडनी शेप की सेल्स से घिरे होते हैं, उन्हें कहते हैं गार्ड सेल। तो आपसे सवाल बन सकता है यहाँ से कि भाई गार्ड सेल बताओ कहाँ होती है, तब आप बता दो कि भाई गार्ड सेल जो होती है वो जो स्टोमेटा होता है उसकी जो ओपनिंग होती है उसको कंट्रोल करती होती हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, उनकी शेप अगर पूछी तो आप बता देना इनकी शेप किडनी शेप की होती है। नेक्स्ट इनका फंक्शन पूछा है कि दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंजिंग गैसेस विद एटमोसफेयर, मतलब जो आपका एटमोसफेयर है उसमें जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो यहीं से होता है। ठीक है ना, लीव जो करती हैं वो यहीं से करती हैं। दूसरा ट्रांसपायरेशन जो होता है यानी वाटर वेपर का प्लांट में से निकलना, वो यहीं से होता है। तो ये आपसे ट्रांसपायरेशन के बारे में पूछ सकते हैं यहाँ से कि ट्रांसपायरेशन क्या है, तो आप लिख देंगे एक लाइन में कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एक वर्ड में लिख देना कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स और एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, वो क्या होता है आपका ट्रांसपायरेशन, और लीव्स में कहाँ से होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ऊपर एक इन्होंने डायग्राम बना के दिखाया आपको, ये वाला इसमें आपको दिखाया कि भाई ये आपकी लीफ है, लीफ सरफेस पर आपको बहुत सारे स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं, फिर उन्होंने ये इपिडर्मिस दिखाई है, ये आपकी क्या है इपिडर्मिस की सेल्स हैं। ठीक है, और इनमें इपिडर्मिस की सेल्स के अगर मैं बाहर इसके यहाँ बात करूँ तो यहाँ क्यूटिकल होगी इसके इधर, यहाँ पर क्यूटिकल दिखाई नहीं है, और ये आपके गार्ड सेल्स हैं, ये स्टोमेटल अपर्चर है, यहाँ से आपकी गैसेस अंदर बाहर होती हैं, मतलब दिन में अगर प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो यहीं से आएगी, O2 जाएगी तो बाहर यहीं से जाएगी, यानी ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। दूसरा ये वाटर वेपर के यहाँ से निकलने में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपायरेशन, तो जो ट्रांसपायरेशन है वो भी आपका यहीं से ही होता होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा है रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। ठीक है ना, और ये कह रहे कि ट्रांसपायरेशन का रोल पता करो, तो मैं आपको रोल ट्रांसपायरेशन का बता देता हूँ। एक तो ये प्लांट को लगभग एटमोसफेयर से 2-4 degrees तक उसका टेम्परेचर कम रखता है, ठंडा रखता है। दूसरा जो आपका प्लांट जमीन से सॉयल से पानी को ऊपर खींचता है, पानी को ऊपर लेकर जाता है, तो उसमें जो खींचने वाला जो प्रेशर है, देखो जमीन के अंदर पंप तो लगे नहीं होते कि भाई पंप जो है पानी को ऊपर चढ़ा देंगे, तो प्लांट में पानी को ऊपर खींचना होता है, तो वो खींचना जैसा जो काम है ना उसका, वो कौन करता होता है, ट्रांसपायरेशन, क्योंकि ट्रांसपायरेशन से जब पानी ऊपर उड़ेगा, तो भाई वो क्या करेगा, नीचे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, और वो प्रेशर आपका रूट के अंदर से, जमीन के अंदर से पानी को ऊपर खींचने में हेल्प करता होता है, तो ये इसका रोल है दोनों। ठीक है, याद रख लेना आप। लिखा है एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। तो ये देखो, अब यहां से पीछे तो इन्होंने लीफ की एपिडर्मिस की बात करी, पहले इन्होंने स्टेम की एपिडर्मिस की बात करी, फिर इन्होंने लीफ की बात करी, अब ये रूट की एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं यहां से, कि रूट की एपिडर्मिस में आपको खास बात क्या मिलेगी, कि अगर आपकी रूट की एपिडर्मिस है, मान लो ये हम रूट की एपिडर्मिस बना लेते हैं यहां पर इस तरह से,
तो वहां पर आपको रूट की ब्लड में इसमें कुछ इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं बाबू, ये आपकी एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया बढ़ाती हैं। जितना ज्यादा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उतना ही रूट क्या करेगी, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगी। तो दीज आर रूट हेयर्स, ये क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। अगर आपसे पूछेंगे कि भाई रूट हेयर्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, आप कहोगे रूट हेयर आर द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मिस की सेल का मॉडिफिकेशन होते हैं रूट हेयर्स। इनका काम क्या होता है, दे विल एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉयल, ठीक है ना, इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ये आपका आंसर होगा, ध्यान रखना यहां से होगा आपका आंसर कि इनका फंक्शन क्या होता है। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, मतलब ये क्या करते हैं, वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ये आपका आंसर होगा, ध्यान रखना आप ये बात। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिकल क्यूटिन। तो हमने बताया पीछे भी, जो आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें क्यूटिकल जो होती है वो बहुत मोटी होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल प्लांट्स दे आर फाउंड हियर, जहाँ हम रहते हैं मतलब डेजर्ट में जो नहीं एरिया आता, जहाँ पानी जो है वो है, ऐसा नहीं है पानी कम है, मतलब मीजो ना, तो भाई हम यहाँ ना तो हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ सी है, ना तो हम ऐसी जगह में, और ना हम ऐसे में जहाँ ड्राई है। तो हमारे वाले जो प्लांट होते हैं उनके ऊपर क्यूटिकल जो मिलती है वो पतली मिलती है, लेकिन अगर आप जो डेजर्ट वालों में जाओगे वहाँ जो प्लांट होंगे उनके ऊपर जो क्यूटिकल होगी दैट इज वेरी थिक, वो ठीक है, उसकी वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है। वो इसलिए होती है कि भाई वहाँ पानी एक तो बहुत कम है पहले से ही ना, पहले ही वहाँ पानी कम है क्योंकि वहाँ तो डेजर्ट है, और ऊपर से बेचारों की अगर प्लांट का ऊपर से पतला हुआ तो लेयर, तो पानी उड़ जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ थिक क्यूटिकल चढ़ी होती है, दैट इज मेड अप ऑफ क्यूटिन, क्यूटिन इज अ वैक्सी सब्सटेंस। सवाल आ सकता है कि आपसे जो क्यूटिकल है वो किसकी बनी होती है, तो आप बता देना कि भाई क्यूटिकल जो है वो वैक्स लाइक सब्सटेंस की बनी होती है, दैट इज क्यूटिन। नेक्स्ट इज द आउटर लेयर ऑफ ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम। तो ये यहाँ से नई बात शुरू हुई कि जो ट्री होता है, ट्री की आउटर लेयर और यंग स्टेम की आउटर लेयर में फर्क होता है, ये बताएंगे यहाँ पे ना, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए अगर आप यहाँ ये डायग्राम बराबर में जो डायग्राम है ये आप अगर देख पा रहे हो, आप इसे जूम करके देख सकते हो, यू कैन जूम हियर लाइक, तो आप देखें कि यहाँ पर अगर हम सेंटर ऑफ द प्लांट से चलते हैं, ये बड़े स्टेम की जो कटिंग है वो है ये, इसमें आप आउटर लेयर पर देख सकते हैं, आउटर में सबसे भी दिख रहा होगा आपको बार्क यहाँ, और इसमें इसमें आपका बाहर की साइड आप देखेंगे कोर्क, ये बार्क है ना, इसमें आप लिखा है एक वर्ड कोर्क कैम्बियम, और उसके बाहर जो लेयर बन रही है यहाँ ये कोर्क है। तो ये जो कोर्क होती है ये आपको यंग स्टेम में नहीं मिलेगी, यंग स्टेम में आपको कोर्क नहीं मिलती, बाहर जो कोर्क होती है, और यंग स्टेम में जो सेंट्रल पार्ट है ये इतना सारा, ये यहां पर दैट इज मार्क्ड रेड बाय मी लाइक ये दिस वन, ये आपका ये जो वुडन पार्ट है इसका सेंटर का, ठीक है, ये भी आपका जो प्राइमरी स्टेम होता है, ये भी आपका जो प्राइमरी स्टेम होता है उसमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ जो आपका प्लांट होता है, स्टेम होता है, उसको जब दोबारा से सेकेंडरी ग्रोथ, पहले तो लंबा होता है, लंबाई के बाद चौड़ाई में बढ़ता है, चौड़ाई में बढ़ने के बाद उसके सेंट्रल वुड बनती चली जाती है, और बाद में जो आपका बाहर का एरिया होता है क्योंकि उसकी एपिडर्मिस टूट जाती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए बाहर से वो क्या फॉर्म करता है, कोर्क बनाता है। तो ये पैराग्राफ यहाँ लिखा है कि भाई एज प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। तो जैसे जैसे आप प्लांट का ग्रो करता है तो बाहर वाले जो टिश्यू है वो चेंज हो जाता है। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल। ध्यान से देखो कितना अच्छा लिखा है कि अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कोर। ध्यान समझना
ये कह रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कोर्क किसने बनाई है, तो आप कहोगे कि कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स कहाँ होता है, अभी आपको दिखाता हूँ कोर्टेक्स कहाँ है। मान लो ये नीचे वाला डायग्राम देखो, स्टेम का जो नीचे वाला डायग्राम है, ये वाला, इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ ले आते हैं, ये वाला डायग्राम आप देखो नीचे वाला, इसमें आपको क्या दिखाई देगा, इसमें आपको दिखाई देगा ये बाहर एपिडर्मिस है, दिस वन इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो है ये, इसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के नीचे ये वाला पार्ट है, ये आपका कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स, ठीक है ना। नीचे आपके जो है ये वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहे हैं, ये आपको जाइलम और फ्लोएम, यहाँ भी ये बताएंगे यहाँ पर होती है, इन वेस्कुलर बंडल्स में होती है नीचे। ये कोर्टेक्स, ये कह रहे हैं कि जो बाद में, लेटर ऑन, बाद में प्लांट के कोर्टेक्स का जो पार्ट है, यहाँ का ये कोर्टेक्स वाला जो पार्ट है, इसका, इस लेयर का, यहाँ एक लेयर बनती है कोर्टेक्स की, जो कोर्टेक्स की लेयर है परमानेंट टिश्यू है, और हमने पीछे पढ़ाया कि परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी डिवाइड करने की लूज कर देते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पर ये बाहर कोर्टेक्स के लेयर में, यहाँ नीचे ये एक लेयर जो मैंने बनाई, यहाँ पर एक लेयर आपकी ऐसी बन जाती है जो कि मेरिस्टमैटिक हो जाती है। मेरिस्टमैटिक होने का मतलब हो कि उसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाती है। तो अगर किसी प्राइमरी परमानेंट सेल में जो पहले से परमानेंट है, अगर उसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाए, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। पहले से जो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, अनार दोज टिश्यू दे कैन डिवाइड, जो पहले से होते हैं वो तो होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। लेकिन लेटर ऑन बाद में, ओल्डर प्लांट में, एज थोड़ी एज के बाद, किसी परमानेंट सेल में अगर डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जा रही है, अगर वो डिवाइड कर पा रहा है, तो भाई हम ये कहेंगे द टिश्यू इज नाउ फॉर्म्ड, तो उसे हम कहेंगे द टिश्यू इज फॉर्म्ड मेरिस्टेम, मतलब उसको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। नाउ द टिश्यू इज कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ये कह रहे हैं कि भाई एक स्ट्रिप बनती है सेकेंडरी मेरिस्टेम की, कहाँ बनती है, कोर्टेक्स वाले पार्ट में। कोर्टेक्स कहाँ होता है, एपिडर्मिस के नीचे होता है। वो आपका क्या बनाता है, कोर्क, वो डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करके बाहर की साइड पे क्या बना देगा, कोर्क का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार, देखो आप इस डायग्राम को देखो, इसमें आपको दिखाई देगा कि सबसे जो बाहर की ओर है, अगर हम बाहर इसकी बात करते हैं, तो बाहर आप इसमें देखो, सेंटर से बाहर की तरफ जाओगे तो आउटर जो लेयर आपको दिखाई देगी इसकी, वो क्या है, कोर्क है, कोर्क ये। तो क्योंकि यहाँ एपिडर्मिस टूट जाती है, तो प्लांट क्या करते हैं, आउटर लेयर पर प्रोटेक्शन के लिए एक नया टिश्यू फॉर्म कर देते हैं, उसे हम कहते हैं कोर्क। क्या कहलाता है वो, आपका कोर्क कहलाता है, ठीक है, जो कि आपका कौन बनाता है, मेरिस्टेमेटिक लेयर। मेरिस्टेमेटिक लेयर कहाँ कहाँ पे बनती है, कोर्टेक्स में बनती है। ये देखो यहाँ पर कोर्टेक्स है, ये कोर्टेक्स में कोई लेयर डिविजन की कैपेसिटी ले आती है, और वो फिर कोर्क का फॉर्मेशन करना शुरू कर देती है। दे आर डेड सेल, दे आर जस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, और इज ए पार्ट ऑफ बार्क, बार्क का पार्ट होती है, ठीक है ना, जो बार्क आपके स्टेम की होती है उसका पार्ट होती है कोर्क, और डेड सेल्स की बनी हुई होती है। तो लिखा है यहाँ पर के भाई सेल्स ऑफ कोर्क आर डेड, तो भाई कोर्क की जो सेल्स होती है वो आपकी कैसी होती है, डेड होती हैं, एंड कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, विदाउट इंटरसेलर स्पेस, उनमें कोई स्पेस नहीं होता। डेड क्यों होती हैं भाई, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कोर्क क्यों डेड क्यों होती है, तो आप बताओगे कि भाई कोर्क जो होती है वो इसलिए डेड होती है क्योंकि इसमें एक सब्सटेंस, इसका नाम होता है सुबेरिन, इसका नाम होता है सुबेरिन। सवाल आएगा कोर्क डेड क्यों है, तो आप कहोगे क्योंकि इनमें एक सब्सटेंस इसका नाम सुबेरिन होता है, वो भरा होता है, जो कि इसको इम्परवियस टू गैसेस और वाटर बना देता है, ठीक है ना। इसको क्या बना देगा, इम्परवियस टू गैसेस और वाटर। तो आप देखना कई बार बोतल के ऊपर, जो बोतल के ढक्कन होते हैं वहां पर लोग कोर्क का यूज करते हैं, क्योंकि जो कोर्क होता है वो आपका कैसा होता है, प्रोटेक्टिव होता है, और उसके साथ साथ उसमें इम्परवियस टू गैसेस और वाटर कुछ नहीं आती होती है, ठीक है। चलिए नीचे दिया गया है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, मतलब सिंपल आपने देखे थे पीछे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्लेन्काइमा, अभी आप देखोगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स में जो आएंगे आपके, वो आएंगे जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो कि आपकी वाटर के मूवमेंट में हेल्प करती है, फ्लोएम जो कि आपकी फूड के मूवमेंट में हेल्प करती होती है। पहले आप देखते हैं जाइलम के बारे में क्या लिखा हुआ है, फिर फ्लोएम के बारे में देखते हैं।
लिखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। अभी तक हमने देखा जो आपके टिश्यूज थे वो आप सिंगल टाइप ऑफ सेल के मिलकर बने होते थे। अभी हम क्या देखेंगे कि जो परमानेंट टिश्यू में दूसरी तरह के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जहाँ कई तरह की सेल होती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जहाँ एक से ज्यादा तरह की सेल्स मिलती हैं और वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक ही टिश्यू को। नाउ ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, और सारी की सारी मिलकर के एक कॉमन फंक्शन करती हैं या फिर उसको कोऑर्डिनेट करती हैं। अभी तक हमने देखा था कि जो हमारी सेल्स होती हैं एक जैसी, जैसे हमने पैरेन्काइमा देखा, वहाँ सारी सेल एक जैसी हैं और सारी की सारी सेल मिलकर के एक टिश्यू बनाती हैं और वो टिश्यू एक कॉमन फंक्शन करता है। यहाँ क्या है, सेल अलग अलग हैं लेकिन फंक्शन को एक ही को कोऑर्डिनेट करती हैं, कॉमन फंक्शन कोऑर्डिनेट करती हैं। लिखा है जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। इनके क्या एग्जाम्पल है, जाइलम और फ्लोएम, दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब दोनों के दोनों क्या करते हैं आपका कंडक्शन करते हैं, वाटर का और फूड का करते हैं, और कंस्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल, और जहां प्लांट में पाए जाते हैं उसको कहते हैं वैस्कुलर बंडल। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ जो आपके डायग्राम बना हुआ ये वाला, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका क्या है, पूरा वैस्कुलर बंडल है। सेंटर देखो, ऊपर वाला डायग्राम जो ये दिख रहा है छोटा सा ना, इसमें आपको सेंटर में देखो गोले गोले लगे हुए ये बहुत सारे, ऊपर देखो यहाँ पर ये गोले गोले लगे हैं छोटे छोटे से, दीज आर द वैस्कुलर बंडल। यानी कि प्लांट में जो स्टेम है, स्टेम की बात चल रही है, तो स्टेम के अंदर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, कई सारे वैस्कुलर बंडल जो कि आपके जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं एक ही एरिया में, वो एक एरिया पे एक जगह पे आपके क्या रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट रहते हैं, ठीक है ना, लगे रहते हैं लाइन, देखो रिंग में लगे हुए हैं। अगर आप रूट्स में देखोगे तो अरेंजमेंट कुछ और मिलेगा, लेकिन आप वहां भी इसको क्या बोलोगे, वैस्कुलर बंडल ही बोलोगे। मतलब वैस्कुलर बंडल वो है जहाँ जाइलम और फ्लोएम रहती है। आप यहाँ देखो दूसरे में जूम करके दिखा रखा है लाइक इस तरह से कि फ्लोएम देखो यहाँ पर है, नीचे क्या है, जाइलम है, तो दोनों के दोनों आपके कहाँ है, एक ही बंडल पे है, एक ही जगह पे है, तो इसलिए क्या कहलाता है, वैस्कुलर बंडल कहलाता है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि भाई ये जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं सारे मिलकर एक जगह होते हैं, इनको कहते हैं वैस्कुलर बंडल। नेक्स्ट लिखा है वैस्कुलर टिश्यू इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट एंड ऑन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट। आप देखो जमीन पर जो रहते हैं उनको जमीन पर सर्वाइव करने के लिए ये चाहिए होते हैं, क्योंकि जो पानी में पड़े हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लैंड एडेप्टेशन है ये, लैंड पर आने के बाद इनको ये टिश्यू चाहिए होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं, जिससे कि इनमें पानी जो है प्लांट में हर एक पार्ट को पहुंच सके, ठीक है। तो ये कह रहे कि शोविंग ए सेक्शन ऑफ स्टेम कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन द वैस्कुलर बंडल, तो ये कह रहे कि वैस्कुलर बंडल में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, वो यहाँ एक एक करके बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने जाइलम के बारे में थोड़ा सा बताया चार लाइनों में लिख करके, इन्होंने कहा है कि जाइलम जो होती है वो आपकी चार तरह की सेल से मिलकर बनी होती है, जिनमें से एक आपकी होती है ट्रैकेट्स, चार तरह के टिश्यूज होते हैं, चार तरह की सेल्स होती हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। तो तीन इन्होंने लिखे हैं, चौथा है जाइलम फाइबर यहाँ पर। तो देखो जाइलम आपकी किस किस से मिलकर बनी है, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है ना। मतलब जाइलम जहाँ भी होगी वहाँ आपकी चार चीज़ें होंगी, एक तो जाइलम ट्रैकेट्स होंगे, तो ट्रैकेट्स और वेसल्स में क्या फ़र्क होता है नीचे डायग्राम में आपको बताएंगे, ठीक है। इनका काम होता है वाटर के कंडक्शन का, ट्रैकेट का भी काम यही होता है, वेसल्स का भी काम यही होता है। जो आपके एडवांस प्लांट होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनमें आपको जो है वेसल्स ज़्यादा मिलते हैं, ट्रैकेट कम मिलते हैं। जो आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, पिछले वाले जो प्लांट होते थे, इनसे पहले जो प्लांट होते हैं उनमें आपको क्या मिलता होता है, उनमें आपको मिलता होता है ट्रैकेट ज़्यादा मिलते होते हैं, वेसल्स नहीं होती है, ठीक है। ट्रैकेट और वेसल में फ़र्क ये होता है, देखो ट्रैकेट का आप फोटो देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ट्रैकेट जो है वो टेपरिंग एंड्स के हैं, मतलब किनारे इनके बंद हैं, और अगर आप वेसल को देखोगे तो वेसल किनारे से खुली है, परफोरेटेड है, मतलब पानी इसमें ऐसे जा सकता है आर पार, और लेटरल के लिए इसमें क्या होते हैं पिट्स, बराबर में भेजने के लिए पिट्स होते हैं। लेकिन जो ट्रैकेट्स होते हैं उनमें आपको केवल क्या दिखाई देता है, पिट्स दिखाई देते हैं। दूसरी बात है वेसल जो होती है वो आपकी कई सारी सेल से मिलकर बनी होती है, जिसमें वो सेल जो है उनकी वॉल तो घुल जाती है और पूरा एक पाइप जैसा बन जाता है, ठीक है ना। और तीसरा चीज़ होती है जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा वैसे ही होता है जैसा होता है। पैरेन्काइमा का काम आपको पता है कि भाई पैरेन्काइमा जो होता है वो अपना फूड को स्टोर करने के लिए होता है, या चीज़ों को स्टोर करने के लिए पाया जाता है। क्या लिखा है कि ट्रैकेट एंड वेसल हैव थिक वॉल्स, ट्रैकेट और वेसल की वॉल थिक होती है, ध्यान रखना भाई। आप जाइलम में
जाइलम में लिविंग को केवल पैरेन्काइमा लिविंग होता है, बाकी तीनों चीजें डेड होती हैं। जाइलम ट्रैकिड भी डेड है, जाइलम का वेसल भी डेड है, जाइलम का फाइबर भी डेड है। ठीक है, ट्रैकिड एंड वेसल हैव थिक वॉल्स एंड मैनी आर डेड सेल्स विद मैच्योर। मैनी का मतलब ये सारे के सारे क्या है, मैच्योर होकर के कैसे हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। वेसल भी डेड है, ट्रैकिड भी डेड है, फाइबर भी। एंड ट्रैकिड एंड वेसल आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जो ट्रैकिड और वेसल्स है वो आपके क्या करते हैं, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। उनका काम होता है वाटर के कंडक्शन का। दिस अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मतलब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को यही तो दोनों करते हैं, ट्रैकिड और वेसल्स। आपसे पूछ लेंगे कि भाई जाइलम का जो वाटर कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या है, तब आप कहोगे जाइलम का वाटर कंडक्टिंग पार्ट जो है वो ट्रैकिड्स और वेसल्स है। ठीक है, एडमिनल्स वर्टिकली। द पैरेन्काइमा स्टोर फूड, आपको पता है पैरेन्काइमा जहां भी होगा उसकी प्रॉपर्टी है कि वो फूड को स्टोर करता है। जाइलम फाइबर आर मेनली सपोर्टिंग इन फंक्शन, जाइलम के जो फाइबर है वो सपोर्ट करने का काम करते होते हैं। ये नीचे डायग्राम दिया गया है, आपसे जाइलम के बारे में पूछा है जाइलम किस किस की बनी होती है, तो आप ये चार नाम ले देंगे। जाइलम में कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है, तो आप बता देंगे जाइलम का कंडक्टिंग पार्ट वेसल्स और ट्रैकिड्स होते हैं। जो ट्रैकिड्स होते हैं वो टेपरिंग एंड्स होते हैं, किनारे से पतले होते हैं। लेटरल के लिए उसमें पिट्स पाए जाते हैं, दोनों अंदर से कैविटी रखते हैं, उस कैविटी में आपका क्या होता है, वाटर होता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। वेसल जो है वेसल सेल से मिलकर बनी होती है, बाद में वो सेल जो है पूरा डिजोल्व हो जाती है और एक पाइप जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम क्या होता है आपका, फ्लोएम फूड के कंडक्शन के लिए होता है, फूड का कंडक्शन करने के लिए आपका जो टिश्यू होता है दैट इज फ्लोएम, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू टू। ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू ही होता है जो कि आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये भी चार तरह के आपके सेल से मिलकर बना होता है। लिखा है दे आर मेड अप ऑफ फाइव टाइप ऑफ सेल्स, सीव सेल्स, सीव सीव शब्द है ना, सीव सीव वर्ड आया है छलनी से, छलनी सोचना फिल्टर करने के लिए कुछ ऐसा होता है। सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो यहाँ क्या क्या मिलता है, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। जबकि ये सीव सेल्स जो हैं, जहाँ सीव ट्यूब्स होती है वहाँ सीव सेल्स नहीं होती। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। सीव सेल जो प्रिमिटिव बात है, मतलब पहले जो प्लांट थे जिम्नोस्पर्म उनमें होता था, अभी जो आप देख रहे हैं फूलों वाले प्लांट जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स हैं, इनमें सीव ट्यूब्स होती हैं। सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, परफोरेटेड वॉल्स, परफोरेटेड का मतलब होता है इनके किनारे खुले होते हैं जिससे कि फूड का ट्रांसपोर्ट हो सके। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लोएम का काम होता है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है पत्तियों से प्लांट के दूसरे पार्ट के पास। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर अदर आर लिविंग, तो ध्यान रखना यहाँ क्या है, केवल फ्लोएम फाइबर ही डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। जबकि अगर आप जाइलम में देखोगे तो केवल पैरेन्काइमा लिविंग है, बाकी सब डेड होते हैं। यहाँ इन्होंने डायग्राम दिया है जो कि आपको दिखाया गया है, डायग्राम आपको फ्लोएम का है। फ्लोएम के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि भाई आपको यहाँ पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, ट्यूब लाइक ये। ठीक है, इसको कहते हैं सीव ट्यूब। इस सीव ट्यूब का काम होता है कि ये फूड का ट्रांसपोर्ट करती है दोनों डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन, ऊपर भी नीचे भी। साथ में इसके साथ आपको दिखाई दे रही होंगी दूसरी तरह की सेल, जिनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल इनकी हेल्प करती है, मदद करने के लिए होती है, दे आर हेल्पिंग सेल्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा का यहाँ भी वही काम है, जो काम होता है इसका स्टोर करने का काम होता है, और फाइबर सपोर्टिंग होते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक सीव प्लेट लिखा हुआ है जिसकी में जाली सी टाइप की होती है, इसी वजह से इसको सीव कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से जो आपका फूड जो होता है वो परफोरेशंस की वजह से, इनकी छेद होने की वजह से, एक से दूसरे में आगे कंपार्टमेंट में जाता रहता है। ठीक है, तो बस यहाँ ध्यान रखना आपको ये इंपॉर्टेंट बात है कि सीव ट्यूब जो है वो लिविंग है, जबकि जो ट्रैकिड्स और वेसल्स थी जाइलम की वो डेड थी, ये लिविंग होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज है जो एनिमल टिश्यूज है। जैसे आपने प्लांट टिश्यू पढ़े, इस तरह अब हमारे में क्या है, एनिमल टिश्यूज पढ़ाएंगे। इसमें आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज, जैसे कि आपके एपिथेलियल टिश्यू जो कवरिंग बनाते हैं आपकी, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स को बनाने वाली मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है ना, इनको आप पढ़ोगे। नर्वस टिश्यूज, इनको आप यहाँ पर पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने एनसीईआरटी ने जरा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको दिया है, छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है यहाँ पर, उसके बाद आपको इन्होंने पहले एपिथेलियल टिश्यू पढ़ाया। तो चलिए देखते हैं, लिखा है कि व्हेन वी ब्रीद वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट।
How do these part move? For this we have specialized cells called muscle cells. तो आपको पता है कि movement के लिए हमारे पास क्या होती है, muscle cells होती है. And the contraction and relaxation of these cell result in the movement. और इनके contraction और relaxation से आपको क्या मिलता है, movement आता है, जो भी movement होते हैं. During breathing we inhale oxygen. ठीक है ना, ये लिखा है कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग, आप ब्रीदिंग के टाइम पर जो ऑक्सीजन इनहेल करते हो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगी भाई, वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी. ब्लड उसको आपकी ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा कहाँ पर, बॉडी के अन्य टिश्यू दूसरे पार्ट है वहाँ पर लेकर के जाता है ब्लड, यानी उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. क्योंकि जो आपकी सेल्स होती है हर एक सेल को आपकी फूड की, जो फूड को ऑक्सीडाइज करना है, बर्न करना है, उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है. लिखा है इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन ट्रांसपोर्ट टू द ऑल बॉडी सेल थ्रू ब्लड. वेयर व्हाई वुड सी सेल नीड ऑक्सीजन, सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए भाई, सेल को ऑक्सीजन इसलिए चाहिए भाई कि जो उसने फूड ले रखा है उस फूड का ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसमें से एनर्जी रिलीज करवाने के लिए, सीधा भाषा में समझो तो बर्निंग ऑफ फूड के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड ए क्लू टू दिस क्वेश्चन. मतलब माइटोकॉन्ड्रिया काम था एनर्जी का प्रोडक्शन, तो वहां पर इसका यूज होता है ऑक्सीजन का, जो आप ऑक्सीजन लेते हो. ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. ब्लड का काम क्या होता है, बॉडी में से जैसे ऑक्सीजन को कैरी करना, फूड को कैरी करना, या वेस्ट सब्सटेंसेस है उनको कैरी करना, और उसके बॉडी के एक पार्ट से ले जा करके दूसरे पार्ट में छोड़ना. एंड कैरी देम टू लीवर एंड किडनी फॉर द डिस्पोजल. मतलब ये वेस्ट को ले जा करके किडनी और लीवर के पास छोड़ देते हैं. ठीक है, तो ये ब्लड का ट्रांसपोर्ट का मतलब ब्लड क्या काम करता है वो बताया है. तो एक तरह से आप देख सकते हैं ब्लड ने क्या किया, बॉडी में एक कनेक्शन बनाया इधर से उधर. तो ब्लड भी आपका एक जो है एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड भी एक टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि बस फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है. नेक्स्ट लिखा है ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ द टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी. ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू. मतलब यहाँ चार तरह के आप टिश्यू पढ़ोगे. एपिथेलियल बाहर जो कवरिंग बनाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू मसल बनाने वाले मस्कुलर, और नर्वस टिश्यूज. तो लिखा है ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म मस्कुलर टिश्यू. तो कोई बात नहीं है, तो ऐसे लिख दिया है. नेक्स्ट दिया है एपिथेलियल टिश्यू. देखिए एपिथेलियल टिश्यू आपके वहाँ पर मिलते हैं जो आपकी कवरिंग्स होती हैं, जो आपकी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, यहाँ तक कि आपके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उन सब ऑर्गन्स की आउटर लेयर क्या होगी, एपिथेलियम होगी. यहाँ तक कि आपकी ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होगी वो भी क्या होगी, एपिथेलियम होगी. आपके एल्वियोलाई की इनर लाइनिंग क्या होगी, एपिथेलियम होगी. आपकी स्किन जो है वो भी क्या है, एक तरह की प्रोटेक्टिव एपिथेलियम है. तो यहाँ जो प्रोटेक्शन जहाँ जाए हैं, जो कवरिंग बनाने का काम है, वहाँ पर जो टिश्यू मिलता होता है वो आपका क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है. कई बार तो ये सिंगल लेयर होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल के लेयर से मिलकर बने. तो जहाँ ज़्यादा प्रोटेक्शन करना होता है वहाँ पर ये मल्टी लेयर्ड होते हैं, मैनी लेयर्स के बने हुए होते होते हैं. ठीक है, तो देखिए शुरुआत में इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू. यानी जो कवरिंग और कवर करता है, प्रोटेक्शन करता है, वो आपका क्या कहलाता है, एपिथेलियल टिश्यू कहलाता है. एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी. एपिथेलियम का काम क्या होता है, ये आपके बॉडी के जो मोस्ट ऑर्गन्स होते हैं उनको कवर करता है और कैविटीज को बॉडी कवर करता है. इट ऑल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. दूसरा काम इसका क्या है कि बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम्स हैं उन सभी को सेपरेट रखने का काम करता है, अलग अलग रखने का काम करता है. एंड द स्किन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, कहाँ कहाँ मिलती है, स्किन में मिलेगा, माउथ की लाइनिंग में मिलता है, ब्लड वेसल की लाइनिंग में मिलता है. ठीक है ना, एंड लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूबुल आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ तक कि जो लंग्स के अंदर जहाँ आप एयर जाती है, जहाँ एयर का एक्सचेंज होता है, वहाँ एल्वियोलाई में भी कौन मिलेगा, एपिथेलियम मिलेगी. किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होते हैं आपकी, जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते होते हैं, उनमें भी क्या मिलता होता है, एपिथेलियम मिलती होती है. तो मतलब जहाँ, ये तो ऐसी जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं आपको, एपिथेलियम मतलब आपको हर जगह मिलती है, जहाँ जहाँ भी कवरिंग बनी होती है, या तो आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग, वो आपकी किसकी बनी होंगी, एपिथेलियम की बनी होती है. फिर लिखा है एपिथेलियल टिश्यू हैज टाइटली पैक्ड इन फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस सीज. तो आपके पॉइंट बन सकते हैं यहाँ से, जैसे कि एपिथेलियम के टिश्यू जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, कॉन्टिन्यूअस शीट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल, देयर इज नो स्पेस, उनके बीच में स्पेस नहीं होता,
उनके बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है वो कम होता है, ठीक है ना। और कुछ भी जो है, मतलब अगर आपकी बॉडी में कुछ भी एंट्री करता है, कुछ भी बाहर निकलता है, एटलीस्ट वो एक बार तो उसके अंदर से होकर जाएगा ही, एटलीस्ट एक बार तो उसको एपिथीलियम को पार करना ही पड़ेगा, कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथीलियम। एज ए रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल ऑफ वेरियस एपिथीलियम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब जब, क्योंकि एपिथीलियम तो हर जगह है और हर चीज़ को एपिथीलियम को पार करके जाना है, तो उसकी सेल्स के अंदर जो परमेबिलिटी है वो ये डिसाइड करती है। परमेबिलिटी मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो बॉडी के और बाहर एनवायरनमेंट के बीच में है ना, उसको वो ही रेगुलेट करेंगी, क्योंकि उसकी सेल जाएगा तो वो स्किन से ही होकर के जाएगा, तो कवरिंग से ही होकर के, ठीक है ना। लिखा है रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ वॉल एपिथीलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलेइंग टिश्यू। ये ध्यान रखना है, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि चाहे वो एपिथीलियम आपकी कैसी भी हो, किसी की भी एपिथीलियम हो, उसके नीचे हमेशा आपको एक कनेक्टिव टिश्यू जैसा मिलेगा, दैट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथीलियम का कोई सा भी टाइप हो, कैसी भी टाइप की हो, उसके नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी ही मिलेगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देयर इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऑलवेज देयर इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन जस्ट बिलो द एपिथीलियम। ये लिखा है कि ऑल एपिथीलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलेइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो ये अगले डायग्राम जो इन्होंने बुक में बनाए हुए थे उस पर इन्होंने नहीं बनाई है, ये एपिथीलियम उनमें नहीं दिखाई है बना करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि डिफरेंट एपिथीलियम यहाँ से शुरू हो जाता है, पहला टाइप एपिथीलियम का पहला टाइप यहाँ से शुरू हो जाता है कि भाई डिफरेंट एपिथीलियम शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस। हर एक तरह की एपिथीलियम जो अलग अलग जगह पर पाई जाती है उसका अपना खुद का एक स्पेशल तरह का फंक्शन होता है, यूनिक फंक्शन होता है उसका, ठीक। एंड शो डिफरिंग स्ट्रक्चर दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कि जो आपकी एल्वेओलाई होती हैं, जो आपकी लंग्स के अंदर जो कैपी जो जैसे आपकी एयर जाती है लंग्स में, तो वो ऐसे यहाँ पर एक लास्ट में छोटी 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 बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें पहुँचती है, तो उनकी जो दीवारें होती हैं आप देख सकते हैं यहाँ उसमें डायग्राम में देखें कि उसमें आपको ब्लड वेसल्स दिखाई देंगी। एल्वेओलाई की जो दीवारें होती हैं उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। अब होता ये है कि जो गैसेस बाहर से, मान लो ऑक्सीजन आई अंदर यहाँ पे, तो जो ऑक्सीजन अंदर आएगी भाई उसको ब्लड में जाना है ना, उसको कहाँ जाना है, ब्लड के अंदर जाना है, तो वो ब्लड के अंदर कहाँ जाएगी, इसकी लाइनिंग से जाएगी। तो यहाँ पर जो इसकी लाइनिंग होगी, एल्वेओलाई की जो लाइनिंग होगी ना, वो कैसी होगी, थिन होनी चाहिए ना, तभी तो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा आराम से। फ्लैट सेल्स की बनी होती है, थिन फ्लैट सेल्स की। और इधर जो इसके साथ में ब्लड कैपिलरी है, उसकी भी लाइनिंग कैसी होगी, ऐसी थिन फ्लैट सेल की होगी। तो ये जो बाउंड्री बन गई, डिफ्यूजन बाउंड्री बन गई है, इसमें से गैसेस जो हैं इधर से इधर आएंगी ब्लड में, और ब्लड से CO2 उधर जाएगी, उधर से O2 इधर आएगी। यहाँ पर जो एपिथीलियम आपकी होगी, वो एपिथीलियम आपकी फ्लैट सेल्स की बनी होगी, काफ़ी पतली रही होगी, क्योंकि भाई उसको क्या करना है, एक्सचेंज करना है, डिफ्यूजन कराना है गैसेस का। तो यहाँ लिखा है कि डिफरेंट एपिथीलियम, सॉरी ये लिखा है कि इन सेल ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल और लंग एल्वेओलाई, यानी ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग की सेल होती हैं वो, और जो एल्वेओलाई है वो, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जहाँ क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ सेल्स। अब ध्यान से समझो कि जब फ्लैट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं तब उसको आप क्या कहते हैं, स्क्वैमस एपिथीलियम। ध्यान से समझना है, जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, जहाँ डिफ्यूजन बाउंड्री होती है, वहाँ पर आपकी जो सेल्स की लाइनिंग होती है एपिथीलियम की, वो कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है, पतली होती हैं, जिसमें से गैसेस जो हैं एक्सचेंज होकर चली जाती हैं, उसको हम कहते हैं स्क्वैमस एपिथीलियम। तो लिखा है दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। तो आपको जो बताइए फ्लैट सेल्स की बनी होगी, फ्लैट सेल्स ऑफ एपिथीलियम जहाँ होती हैं उसे कहते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। अब आप बात समझे, सिंपल एपिथीलियम में ऐसा होता है, कहीं कहीं तो सेल जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, कहीं कहीं पर जो सेल्स होती है वो कॉलम जैसी होती हैं, कहीं कहीं पर जो सेल्स होती हैं वो क्यूब जैसी होती हैं, होंगी वो सिंपल ही। सिंपल एपिथीलियम के डायग्राम आप इधर देख सकते हैं, दूसरी साइड पर देखें आप, जहाँ मैं बता रहा हूँ
यहाँ पर आपको मिलेगा कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमेशा आप देखेंगे तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उसके ऊपर सिंपल लेयर ऑफ सेल लगी होगी, दैट इज आप स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है ना। तो यहाँ से इस पैराग्राफ से आपके सवाल आएंगे वो ये आएंगे, ये कहाँ पर मिलती है, इनका क्या फंक्शन होता है। एक बार आप देखो, लिखा है कि भाई सिंपल स्क्वामा मीन्स स्केल्स ऑफ स्किन, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट। भाई एक्सट्रीमली थिन होंगी तभी तो ना चीज़ें डिफ्यूज हो पाएंगी इनके अंदर से, और फॉर्म ए डेलिकेट लाइनिंग, पतली लाइनिंग बनाती हैं। कहाँ कहाँ मिलती है? ईसोफेगस, इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, आर ऑल्सो कवर्ड विद स्क्वामस एपिथीलियम। तो ये एग्जाम्पल दोनों याद करने हैं आपको, ईसोफेगस और माउथ की लाइनिंग दोनों आपके कवर होते हैं स्क्वामस एपिथीलियम के साथ, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये इतना तो था सिंपल स्क्वामस के लिए। सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम मतलब जिसमें कि एक लेयर सिंपल फ्लैटेंड सेल की होती है, वो कहाँ कहाँ मिलती है? ठीक, वो वहाँ भी मिलती है पीछे, जो आपको बताया ना पीछे, ब्लड लंग के एल्वेलाई में, ब्लड कैपिलरीज में भी वहाँ यही होती है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम होती है। यहाँ नीचे लिखा गया है फिर ये स्किन विच प्रोटेक्ट अस, ठीक है। स्किन में क्या होगा बाबू, जैसे डायग्राम आपको दिख रहा है बराबर में यहाँ पर, तो अगर आप समझो कि स्किन वाली जो आपकी होगी उसमें क्या होगा, सीधी जो सेल्स होंगी बेसमेंट के ऊपर लेयर 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 बना लेंगी, कई कई लेयर, क्यूबर्डल के बाद स्क्वामस एपिथीलियम, ऐसे स्क्वामस की। तो जब शीट्स, कई शीट लगी होती है ना, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, जो लिखा है ना यहाँ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथीलियम की कैसी होगी, जब आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कई लेयर में लगी होगी ऐसी, मतलब कई लेयर लगी होंगी स्क्वामस एपिथीलियम की, और ये कैसी होती है आपकी, इसको बोलते हैं सिंपल स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, क्या काम होता है, प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन करना। तो यहाँ लिखा है द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वामस एपिथीलियम, स्किन एपिथीलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स, कई लेयर की बनी होती है, एक लेयर सिंगल लेयर नहीं है, कितनी लेयर है, मैनी लेयर्स की बनी होती है, एंड टू प्रिवेंट वेयर एंड टीयर, सिंस दे आर अरेंज इन ए पैटर्न ऑफ लेयर, एपिथीलियम इज कॉल्ड एज द स्क्वामस। अगर भाई लेयर वाली लेयर्स में लगी है तो स्क्वामस एपिथीलियम होगी, वो भी कैसी, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में आपका क्या होता है, कई लेयर होती है, इधर आप डायग्राम में देख सकते हैं, सिंपल सा बना हुआ है ये इधर वाले में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दूसरा डायग्राम, जो दूसरा पैराग्राफ है आपका कॉलमिनर एपिथीलियम के लिए है। कॉलमिनर, कॉलमिनर में कैसी हो सकती है, सिंपल कॉलमिनर। तो ये सिंपल कॉलमिनर के लिए यहाँ बताया गया, सिंपल कॉलमिनर कैसी, कि भाई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपकी लंबी लंबी खंबे के जैसी सेल्स खड़ी होती हैं, दे आर कॉल्ड एज कॉलमिनर सिंपल एपिथीलियम, ठीक है। इनमें एक और खास बात होती है कि न्यूक्लियस जो होता है वो बेस पर होता है, सेल के सेंटर में नहीं होता। न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के बेस पर पाया जाता है। इधर डायग्राम में आप देखोगे तो अगर आपको स्ट्रेटिफाइड देखनी है, अगर कॉलमनर में स्ट्रेटिफाइड होगी तो वैसी होगी, पहले नीचे क्यूबर्डल होंगी छोटी छोटी, उसके ऊपर कॉलम 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 लगे होंगे। काम इसका भी क्या है, प्रोटेक्शन ही है। तो कई जगह पर आपको स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर मिलती है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबर्डल मिलती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस मिलती है, तो कई जगह पर आपको मिलती है सिंपल, ठीक है। जैसे क्या है, वेयर एब्जॉर्प्शन द सिक्रीशन अकर, अब ये नई बात शुरू हुई, मतलब आपकी जो कॉलमनर एपिथीलियम है वो कहाँ पर होती है, जहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ डिफ्यूजन होता है वहाँ कौन सी है, स्क्वामस है। जहाँ डिफ्यूजन होता है वो कौन सी है, स्क्वामस है। जहाँ एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन होता है वहाँ कौन सी है, कॉलमनर है और क्यूबर्डल है, ठीक है। एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, देखो एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं यहाँ से ना, कहाँ कहाँ पर मिलती है, आपको भी ध्यान रखना है, एग्जाम्पल एक नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ से लगना है कहाँ मिलती है, एक तो आप ऐसे याद रखना कि जो आपका डाइजेशन वाला पार्ट है ना उसमें मिलती है आपकी कॉलमनर एपिथीलियम, ठीक है। जैसे लिखा है कि इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में आपको कॉलमनर एपिथीलियम मिल जाएगी, ठीक है। एंड टॉल एपिथीलियल सेल्स आर प्रेजेंट, दिस कॉलमनर मीलिंग पिलर लाइक, कॉलम जैसी होती है, फैसिलिटेट द मूवमेंट अक्रॉस द एपिथीलियल बैरियर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होती है आपकी उसमें मिलती है, ठीक है। एंड द कॉलमनर एपिथीलियल टिश्यू ऑल्सो एज अ सिलिया, अब यहाँ से देखो इतना तो था इसके लिए, इतना सिंपल था यहाँ तक का कि भाई अगर मैं मान लो आपकी कॉलम जैसी सेल है जो कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इंटेस्टाइन में मिलती हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से नया शुरू हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ना, अगर आपकी कॉलम वाली एपिथीलियम के ऊपर कुछ इस तरह के ब्रश बॉर्डर लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने दिखाया डायग्राम में ब्रश लाइक, इनको कहते हैं सीलिया।
तो अगर सिलिया लगे हुए हैं तब हम कहेंगे एपिथीलियम कैसी है आपकी, सिलिएटेड एपिथीलियम है। कैसी है? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। ये आपको कहाँ बताई? रेस्पिरेटरी ट्रैक में मिलती है, जो आपका विंड पाइप होता है उसमें मिलती है, ये सिलिएटेड वाली। ठीक है, सिंपल वाली कहाँ मिलती है? इंटेस्टाइन में मिल जाती है, एग्जाम्पल में दिया है इन्होंने। रेस्पिरेटरी में मिलती है कौन? कॉलमनर विद सिलिया। सिलिया काम क्या होता है? ये आपके जो म्यूकस वगैरह होता है, जो डस्ट पार्टिकल या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये सिलिया आपके इधर देखो, इधर डायग्राम में आपको दिखेगा, ब्रश की तरह मूव करते रहते हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, जिसकी वजह से जो म्यूकस होगा वो आपका बाहर निकल जाएगा, लंग्स में जमा नहीं होता। इनका काम होता है, सिगरेट पीने से ख़त्म हो जाते हैं जो ये जो है सिगरेट वालों के ना, ये ख़राब हो जाते हैं सारे के सारे सिलिया। तो यहाँ लिखा है कि आपसे पूछेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम कहाँ होती है, आप बताओगे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है। लिखा है द कॉलमनर एपिथीलियम टिश्यू ऑल्सो हैज सिलिया विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एपिथीलियल सेल। ये कैसे होते हैं? हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। दीज सिलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुश द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। मतलब जो इनका मूवमेंट होता है वो जो म्यूकस होता है उसको बाहर की साइड भेजते रहते हैं, ठीक है, बाहर निकालने की ट्राई करते रहते हैं, जिससे ना वो अंदर ना जाए, लंग्स के अंदर ना भर जाए। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग से ये सीलिया हो जाते हैं खराब, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका क्यूबॉइडल एपिथीलियम, उसमें भी वही है कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब जैसी सेल्स लगी हुई हैं, और वो क्या है आपकी क्यूबॉइडल, लाइक आप इस डायग्राम में देख सकते हो पर्पल वाले में इधर साइड में ऊपर। ठीक है, तो ये आपकी कैसी हुई? सिंपल क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद क्यूब शेप सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। जो आपकी किडनी ट्यूब्यूल्स होती है, नेफ्रॉन जो हम पढ़ेंगे 10th क्लास में, जो किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसका जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, वो ट्यूबुलर पार्ट आपका कौन बनाती है? क्यूबॉइडल एपिथीलियम। जहाँ पर क्या होता है, सिंपल जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर आपकी क्यूब लाइक सेल्स लगी होती हैं, क्यूब के जैसी सेल्स लगी होती है। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड ए सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। उनका काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का काम होता है, सिक्रीशन का काम होता है उनका भी, और एब्जॉर्प्शन का काम होता है। जैसे यहाँ बताया है कि भाई क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद क्यूब शेप सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स इन डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ मिलती है? सलाइवरी ग्लैंड जो आपकी सलाइवा बनाती है, उनकी जो ग्लैंड के डक्ट हैं, पाइप हैं जो आपके माउथ में खुलते हैं, उनकी जो एपिथीलियम होती है दैट इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम, और किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी जो एपिथीलियम होते हैं दैट इज क्यूबॉइडल एपिथीलियम। वेर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, वहाँ ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, और एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का भी काम है, ध्यान रखना है इसका। एपिथीलियल सेल ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन इन ग्लैंड सेल। तो आप ये इंपॉर्टेंट लाइन लिखे हैं, यहाँ इन्होंने कहा है कि भाई कई बार क्या होता है कि आपकी जो एपिथीलियल सेल होती है वो मुड़ के, मतलब वो इन्वेजिनेट होकर अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और एक ग्लैंड लाइक फॉर्म कर लेती हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड। जो अगर मान लो एपिथीलियम की सेल सिक्रेटरी हैं, कुछ सिक्रेशन करती हैं, तो वे क्या करती हैं इस तरह से, आप देख रहे हैं डायग्राम में, अंदर की तरफ मुड़ेंगी और मुड़ करके एक डक्ट जैसा बना लेंगी, पाइप जैसा ये, और फिर जो इनका सिक्रेशन होगा वो आपका कहाँ भर जाएगा? इस डक्ट में भर जाएगा अंदर, और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलेगा। तो अगर मान लो कहीं की एपिथीलियम में से, मान लो ये कोई आपकी इंटेस्टाइन है, इसकी एपिथीलियम है ये, इसमें से अंदर कुछ सिक्रेशन निकल रहा है ना यहाँ, तो वो सिक्रेशन इसी वजह से निकल रहा है कि इसकी एपिथीलियम ने क्या बना लिया है, ऐसी ग्लैंड बना लिया अंदर को मुड़ के, अंदर जो एपिथीलियम होगी ना उसने अंदर की साइड को मुड़ के ऐसे डक्ट जैसी ग्लैंड बना लिया, और इसमें से क्या निकल रहे हैं? एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं कई सारे। ठीक है, एक दूसरी तरह की ग्लैंड होती हैं जो क्या करती हैं, एपिथीलियम की सेल ना एपिथीलियम से तो अलग हट जाती हैं, एपिथीलियम से अलग हट करके ब्लड वेसल्स के चारों तरफ आगे लिपट जाएंगी, इस तरह से एपिथीलियम को छोड़ देती हैं और आकर के किसी ब्लड की वेसल्स के चारों तरफ लिपट जाएंगी और एक मल्टी सेलर ग्लैंड बना देंगी स्ट्रक्चर, जो कि ये सेल सिक्रेट करेंगी वो कहाँ भेजेंगे? ब्लड में भेजा जाएगा, वो जो भी ये बनाएगी वो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, सरफेस पे थोड़े आएगा वो। तो भाई इस तरह की ग्लैंड जो होती हैं, जो आपकी ब्लड कैपिलरी के चारों तरफ सेल्स आके लग जाती हैं और एक ग्लैंड बनाती है, वो आपकी एंडोक्राइन होती हैं, ये वाली आपकी एक्सोक्राइन होती है, एक्सोक्राइन आपकी एंजाइम बनाती है, एंडोक्राइन आपकी हार्मोन बनाती हैं, हार्मोन सीधे कहाँ भेजे जाते हैं? ब्लड में भेजे जाते हैं, और ये एंजाइम सरफेस पर आते हैं, रिएक्शंस में भाग लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने तो बस जरा सी दो लाइन लिखी है कि एपिथीलियल सेल ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन इन ग्लैंड सेल्स विच कैन सिक्रेट सब्सटेंसेस
एट द एपिथेलियल सरफेस. सम टाइम अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड. कभी कभी जो है वो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है और मुड़ करके एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है जिसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम. वो आपकी क्या कहलाती है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहलाती है. ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है ना. तो ये था आपका यहाँ तक जो था वो था एपिथेलियल टिश्यू. इसके बाद जो है वो आपका शुरू होता है कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ोगे बोन्स, कार्टिलेज और ब्लड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है ना. तो चलिए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट. तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको कनेक्टिव टिश्यू के साथ, ठीक है ना. ध्यान से एनसीईआरटी पढ़िएगा, बार बार चीज़ों को कोशिश करिएगा समझने की कोशिश करना. एक एक एग्जाम्पल आप याद करने की कोशिश कीजिए, यही आपके लिए मस्त रहेगा. थैंक यू. आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही. आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. थैंक यू सो मच.